हेलो गाइस, आज बातें करेंगे 15,000 के अंदर मिलने वाले 10 पावरफुल प्रोसेसर्स के बारे में जो अभी के टाइम पर मार्केट में अवेलेबल है। 15,000 एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर लोग सबसे ज्यादा स्मार्टफोन परचेस करते हैं, और 15,000 अभी के टाइम पर एक ऐसा बजट है जहां पर एक पावरफुल प्रोसेसर सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आज मैं प्रोसेसर्स के रैंकिंग के साथ इनके गेमिंग स्कोर के बारे में भी बताने वाला हूँ कि किस प्रोसेसर को 100 में से कितने पॉइंट मिलते हैं, और इनके अलावा इन प्रोसेसर्स के बारे में बेसिक आइडिया भी दे दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट इन सारे प्रोसेसर्स को मैंने खुद टेस्ट करा हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और चाहो तो सब्सक्राइब भी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर जो बेस्ड है 12nm टेक्नोलॉजी पर। इसका एंटीटु स्कोर आता है 3,40,000 के करीब, और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 28 out of 100। इस चिपसेट की रैंकिंग तो थोड़ी और ऊपर होनी थी, बट इसके हीटिंग प्रॉब्लम एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये नंबर 10 पर ही स्टैंड करता है। इस प्रोसेसर पर नॉर्मल गेमिंग अच्छे से हो जाती है, पर हाँ, ये प्रोसेसर लंबी गेमिंग के लिए नहीं बना है। लंबी गेमिंग पर इस प्रोसेसर वाले फ़ोन बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं और फिर हल्का परफॉर्मेंस भी डाउन करने लग जाते हैं। इस प्रोसेसर पर बेस्ड कुछ फ़ोन्स हैं, एक रेडमी नोट 11 SE या रेडमी नोट 10S, दो रियलमी 7। नंबर 9 पर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 जो बेस्ड है 7nm टेक्नोलॉजी पर। इसका एंटीटू स्कोर 3,30,000 प्लस आता है, और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 25 out of 100। ये प्रोसेसर अभी चीपेस्ट 5G प्रोसेसर है और काफ़ी स्टेबल भी है। ये भी नॉर्मल गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, और इस चिपसेट की सबसे अच्छी बात है कि ये लंबी गेमिंग पर भी नॉर्मल हीट होता है। इस पर बेस्ड स्मार्टफोन जिसे आप अभी परचेस कर सकते हो वो है पोको M4 5G। नंबर 8 पर आता है स्नैपड्रैगन का 732G जो बेस्ड है 8nm टेक्नोलॉजी पर। इसका एंटीटु स्कोर 3,45,000 प्लस आता है, और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 28 out of 100। ये प्रोसेसर हल्का पुराना हो चुका है, पर अभी भी गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इस पर आप नॉर्मल गेमिंग ही अच्छे से कर पाओगे, और ये चिपसेट भी नॉर्मल हीट होता है। इस पर बेस्ड जो फोन्स है वो भी हल्के पुराने हो चुके हैं, पर अभी भी काफ़ी तगड़े हैं। पहला है मोटो G40 फ्यूजन, दूसरा मोटो G60, और तीसरा रेडमी नोट 10 प्रो, और ये सारे के सारे 4G फोन्स हैं। नंबर 7 पर है अगेन मीडियाटेक का हीलियो G99 चिपसेट जो बेस्ड है 6nm टेक्नोलॉजी पर। इसका एंटीटू स्कोर आता है 3,70,000 प्लस, और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 27 out of 100। ये प्रोसेसर अभी मीडियाटेक के हीलियो सीरीज का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। इस पर भी आप नॉर्मल गेमिंग आराम से कर सकते हो, और ये चिपसेट लंबी गेमिंग पर भी नॉर्मल हिट होता है। देखो, बहुत लोग इसके नंबर से कंफ्यूज हैं, उन्हें लगता है G99 है तो परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा मिलेगा। परफॉर्मेंस मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा हाई की उम्मीद मत रखना, फिर भी इसके प्रीवियस हीलियो प्रोसेसर से तो अच्छा ही है। इस पर बेस्ड कुछ फ़ोन्स हैं, एक रियलमी 10, दो पोको M5 4G, तीन टेक्नोपोवा 4, और टेक्नोपोवा 4 तो मात्र 12,000 में ही 8GB रैम लेकर आता है, जो कि कम माल की बात है। नंबर 6 पर आता है स्नैपड्रैगन 750G जो बेस्ड है 8nm टेक्नोलॉजी पर। इसका एंटीटू स्कोर 3,85,000 के करीब आता है, और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 29 out of 100। इस चिपसेट की भी रैंकिंग हल्की ऊपर होनी थी, बट इसके पुराने हो जाने और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के कारण ये नंबर 6 पर ही स्टैंड करता है। ये प्रोसेसर भी नॉर्मल गेमिंग के लिए काफ़ी सही है, और लंबी गेमिंग पर हल्का गर्म हो जाता है, पर ज़्यादा नहीं। इस पर बेस्ट जो फोन अभी मार्केट में अवेलेबल है, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये स्मार्टफोन वैसे तो काफ़ी तगड़ा है, बट इसमें स्नैपड्रैगन 750G का फुल पावर नहीं दिखता, फिर भी अपने सेगमेंट में अच्छा है। नंबर 5 पर है स्नैपड्रैगन का 4 Gen 1 जो बेस्ड है 6nm टेक्नोलॉजी पर। इसका एंटीटू स्कोर आता है 3,85,000 प्लस, और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 28 out of 100। कहने को तो ये स्नैपड्रैगन 400 सीरीज का प्रोसेसर है, बट ये अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स को पीछे छोड़ देता है। इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट मिलता है, और नॉर्मल गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। लंबी गेमिंग पर भी ये ज़्यादा गर्म नहीं होता, जो कि एक और अच्छी बात है। इस चिपसेट पर बेस्ड कुछ फ़ोन्स हैं, iQOO G6 Lite 5G, Redmi Note 12 5G, पर Redmi Note 12 5G इस चिपसेट के लिए काफ़ी ओवर प्राइज्ड है। ये चिपसेट अंडर 15,000 ही वर्थ रहेगा। नंबर 4 पर आता है MediaTek का Dimensity 810 5G चिपसेट जो बेस्ड है 6nm टेक्नोलॉजी पर, और इसका एंटीटू स्कोर आता है 3,90,000 के करीब। इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 28 out of 100। ये ओवरऑल एक काफ़ी तगड़ा और ऑप्टिमाइज चिपसेट है, और ये अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर है, और इस पे आप नॉर्मल से हल्के ऊपर की गेमिंग अच्छे से कर सकते हो, और ये चिपसेट तो लंबी गेमिंग पर भी ज़्यादा गर्म नहीं होता। इस पर बेस्ड कुछ फ़ोन्स हैं, पोको M4 Pro 5G, Redmi Note 11T 5G, और ये दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी सही है। इसके ऊपर एक बिल्कुल नई चिपसेट ने एंट्री मारी है, जो आता है सैमसंग की तरफ से। तो नंबर 3 पर है एक्सिनस का 1330 चिपसेट जो बेस्ड है 5nm टेक्नोलॉजी पर,
और इसका एंटू स्कोर आता है 4 लाख के करीब और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 29 out of 100। ये चिपसेट अभी बिल्कुल न्यू है और अभी सिर्फ एक ही फोन में देखने को मिला है। देखो वैसे तो एक्सिनस के प्रोसेसर गेमिंग के लिए उतना पॉपुलर नहीं है और इस चिपसेट पर भी आप नॉर्मल गेमिंग की ही उम्मीद रखो। इस प्रोसेसर के थर्मल ओके हैं और लंबी गेमिंग पर भी नॉर्मल हीटिंग देखने को मिलता है। इस पर बेस्ट जो इकलौता फोन आप परचेज कर सकते हो वो है सैमसंग गैलेक्सी A14 5G। नंबर 2 पर आता है वेरी पॉपुलर स्नैपड्रैगन का 695 चिपसेट जो बेस्ड है 6nm टेक्नोलॉजी पर। इसका एंटू स्कोर आता है 4 लाख प्लस और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 31 out of 100। ये 2022 में सबसे ज्यादा यूज हुआ चिपसेट है और लगभग हर ब्रांड के हर दूसरे फोन में यही चिपसेट देखने को मिलता है और अभी भी यूज हो रहा। ये चिपसेट नॉर्मल से हल्के ऊपर गेमिंग के लिए काफी सही है और इसमें भी लंबी गेमिंग पर हीटिंग देखने को नहीं मिलता। इस पर बेस्ड कुछ फोन जिन्हें आप 15,000 के आसपास परचेज कर सकते हो iQOO G6 5G, POCO X4 Pro 5G, Moto G62 5G। अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोसेसर की। तो नंबर 1 पर है MediaTek का Dimensity 900 चिपसेट जो बेस्ड है 6nm टेक्नोलॉजी पर। इसका अंतर्गत स्कोर आता है 4,50,000 प्लस और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 39 out of 100। ये चिपसेट ओवरऑल अभी के टाइम का इस सेगमेंट पर सबसे तगड़ा है। इस पर आप हाई लेवल की गेमिंग आसानी से कर सकते हो और इसमें लंबी गेमिंग पर भी नॉर्मल हीटिंग देखने को मिलता है। इस चिपसेट पर बेस्ट जो फोन है वो है Infinix Zero 5G। ये स्मार्टफोन वैसे तो 17,000 के आसपास मिलता है बट हर बार किसी भी सेल में ये 15,000 पर मिल जाता है और बैंक ऑफर के साथ तो मात्र 13,000 में। और यकीन मानो अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए तो अंडर 15,000 ये स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहेगा। सो गाइज, ये थे टॉप 10 पावरफुल प्रोसेसर्स की रैंकिंग जो अभी के टाइम पर 15,000 के अंदर ही मिल जाते हैं। इनके अलावा कुछ और पॉपुलर प्रोसेसर्स हैं जो अभी 15,000 के अंदर ही मिल जा रहे। पहला है MediaTek का Helio G96 जिसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 25 out of 100। दूसरा चिपसेट है स्नैपड्रैगन का 680 जिसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 17 out of 100। स्नैपड्रैगन 680 गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए, हालांकि आप इसे नॉर्मल यूज के लिए प्रेफर कर सकते हो। एक और काफी पॉपुलर चिपसेट है स्नैपड्रैगन का 480 प्लस जिसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 21 out of 100। बाकी कुछ और प्रोसेसर्स के गेमिंग परफॉर्मेंसेज आप पॉज करके देख सकते हो। तो वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चाहो तो सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।